अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसकी वजह से आपको इसकी एप्लीकेशन नजर आएगी, अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अब आपको सेरोटोनिन का समझ आ गया। अब मुझे बताएं हु वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट, समवन फ्रॉम द लेफ्ट बताएं प्लीज, सबसे बात हो रही है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये कहानी सुनने के बाद अगर आपकी लाइफ ना चेंज हुई तो फिर लिटरली ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, माइंड सर्जरी नहीं। अलेक्जेंडर कोई भी बता दे क्या हो गया, मशहूर नाम है अलेक्जेंडर, कौन था जी? कौन था किधर का था? सकना खाना कौन सा था उसका? या किधर है ये मैसेडोनिया? ग्रीस का, ग्रीक किंग था, ठीक है? यस एवरीबॉडी क्लियर? ग्रीक किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, क्या किया उसने? पूरी दुनिया फतह कर ली। कैसे आपको मैं अभी ये बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना है, अब शुरू होने लगा है, आपको असली दर्श शुरू होने वाला है, तब आपको पता चलेगा। ये साइंस खोलने के से पहले अगर मैं दीन खोल देता ना तो आपने कहा था मौलवी साहब सुन लें, मगरिब से पहले पहले आपने मगरिब की बातें शुरू कर दी हैं, आप किसी और अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा अल्फा कुछ और है। ये मौलवियों को मस्जिद में समझ नहीं आ रही कि किसी और अल्फा के बेटा आ जाते हैं, इसको पाकिस्तान में बीटा कहते ना, मैं जान के अमेरिकन बेटा बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्फा का बेटा ही होता था, और वो बैठे बोल रहे थे कि सर जल्दी करें मैंने फ़र्ज़ पूरे करने हैं दो, और वो बता रहा था अल्फा बेटा अल्फा हमारा अल्फा, वो कहता नहीं अंकल आपका नहीं मेरा अल्फा, मेरा अल्फा इस वक्त वेट कर रहा है, बताता हूँ वो कौन है। अलेक्जेंडर की कहानी से पता चलेगा ये वाकया पहली दफ़ा नहीं हुआ, ठीक है, जो आपके साथ हो रहा है ये एक दफ़ा पहले हो चुका है। अलेक्जेंडर द ग्रीक किंग, लेट मी जस्ट कट टू द चेस बिकॉज आई एम शॉर्ट लिटिल टाइम। अलेक्जेंडर ने एक काम किया जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इशारा फरमाई कि तुम्हारे साथ वही होगा जो बनी इसराइल के साथ हुआ है, दे विल गो थ्रू दैट वन होल, यू आर गोइंग टू फॉलो देम थ्रू दैट होल। और सुनने इस बात को आइडेंटिटी कैसे क्लियर की है नबी अलैहिस्सलाम ने, और जैसा एक जूता दूसरे जूते से आपस में कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को, तुम भी ऐसे ही करोगे, सेम बिल्कुल प्रोटोटाइप ही सेम हो जाएगी। हदीस पता ना, नहीं पता तो आपस चल गई, आपस चल गई आपको आइडेंटिटी कैसे कन्फ्यूज करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने आइडेंटिटी हदीस बताई और मैं आपको भी आयतें बताता हूँ आइडेंटिटी की। अलेक्जेंडर ने किया क्या था, व्हाट डिड ही डू? थिंक अबाउट द बिगेस्ट पॉसिबल इवेंट गोइंग ऑन इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। अलेक्जेंडर वाज नॉट द ग्रेटेस्ट इवेंट गोइंग ऑन। अलेक्जेंडर को मौलवियों से सख्त चिढ़ थी। मौलवी कौन थे अलेक्जेंडर के टाइम पे? 326 BC की तो बात हो रही है। प्रीस्ट डेल्फी के नहीं थे ना, वो तो रोमेनियंस हैं, रोम से कोई मसला नहीं था अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर को इशू ये था, और चले उसको जो भी इशू था, उसने किया ये कि जब उसने जरूसलम में एंट्री, सबसे पहली एंट्री जरूसलम में की उसने, तो उसने क्या क्या लेके आया अलेक्जेंडर जरूसलम में? ही नेवर मैसेकर्ड जरूसलम। व्हाट डिड ही डू? जो आपके और मेरे साथ हुआ ना वही उधर भी हुआ था। अलेक्जेंडर ने जरूसलम में जाके, कैमरा किधर है, अलेक्जेंडर ने जरूसलम में जाके नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दी। पता आपको इस बात का? डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस? डिड यू एवर रीड अबाउट दिस? आपका समय नेटफ्लिक्स अभी का नाम है, ये नेटफ्लिक्स नाम उधर से लिया हुआ है, आपको पता ही नहीं था इस बात का? सीरियसली नहीं पता था आपको इस बात का? क्यों क्यों पता होता, मैं वैसे ही बना रहा हूं बात अभी। अलेक्जेंडर ने नेटफ्लिक्स ही लॉन्च की थी किसी और नाम से। अलेक्जेंडर ने अपना एम्फी थिएटर जेरूसलम में इंस्टॉल कर दिया, द कॉलोसियम, रिमेंबर? एंड ऑल ऑफ अ सडन द ज्यूज बिकेम द हेलेनिक ज्यूज, वो भी फिर यो बच्चे हो गए, यू नो दे स्टार्टेड टेलिंग द डायरीज के डायरी यू विदाउट। आपको नहीं समझ आएगी कि मैंने ये छोटी सी स्कर्ट क्यों पहनी हुई आदमी होने के बावजूद, और वो रैब आए बेचारा पादरी 70 का ले आ सकता था, यहूदी जुडाइक बाइबल में तो औरत अपने नाखून भी नहीं दिखा सकती। हैव यू रेड द तालमूद? पढ़े जरूर, ओके, हाथ भी नहीं लगा सकती तालमूद को, तो खैर यू नो द जुडाइक अल्लाह ताला का जो कानून है उसमें पर्दे का इंतजाम है। उसके बाद हेलेनिक ज्यूज ने फिर टैंक टॉप्स एंड कैप्रीस निकाली, yes the Jews, and then they became the wannabes of Greece,
cool Jews. Yes, and all of a sudden the Judaic expression was dramatized. Where? In the theaters. इसलिए वो डायलॉग और ड्रामेटाइजेशन जो नजर आती है ना आपको इस वक्त तमाम तर बाइबलिकल उसमें, वो असल में हेलेनिक ज्यूज की है. उनका भी डेल्टा क्रिएट हो गया. ऑल ऑफ अ सडन आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी जुडेइक हाउस होल्ड के अंदर. उनके जेलट्स बोलते हैं इनको, जो मौलवी, हमारा मौलवी, उनके एक्सट्रीमिस्ट. कौन है हिजाबन के क्लास में? हिजाबन बैठी हुई है, हिजाब निकाब वाली क्लास में नहीं आती, कोई पॉलिसी तो नहीं. शी एक्चुअली गोज थ्रू एन बियर्डेड मैन गोज थ्रू सम सर्टन डिसोनेंस इन पाकिस्तान. She is the odd woman out. Sochi Dara, even though you all know why she is dressed the way she is dressed, but she is the one who's thinking, why the hell are you guys dressed the way you guys are dressed? Sochi, wo bichari akeli lagi hai. Zealot Jews, Hellenic Jews. Ye exact baat kya hua tha. और उसके बाद उन्होंने थिएट्रिक्स इंट्रोड्यूस की, ड्रामेटाइज किया रिलीजन को अपने, और अपनी बाइबल सुनाने के लिए, वो जो इस वक्त क्रिश्चियन चर्च में होनी होती, बाइबल सुनाने के लिए ड्रामेटाइजेशन एलेक्जेंडर ने एम्फी थिएटर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाई. इतना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो गया कि ज्यूज आपस में लड़ पड़े. मैसेडोनियन वॉर हुई, तीन कबीलों के गैर मैस मर्डर हुआ, जिस तरह स्प्लिट होती है हमारी, उस दिन वहां पर भी शुरू हो गई. बट जो बच्चों ने फिर माइग्रेशन की, जो बच्चे यू नो यो बच्चे, सांबा की टर्म है इसलिए बोल रहा, कराची में मैंने बोला यो बच्चे, लाइक सर कौन से बच्चे? यो 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 बच्चा नहीं, नहीं सर यहाँ पे इनको हम कुछ और बोलते हैं. लाइक मत बताई यार, मत बताई. फिर केपी के भी मैंने बोला यो बच्चे, लाइक यो बच्चा, लाइक यो बच्चे नहीं. यार ये तो लोकल इस्लामाबाद मेरे गांव की यार स्लैंग है. यो बच्चे का मतलब होता है यो बच्चा. यू नो सेइंग, डोंट फ्लिप दिस रिस्ट, इट अ सर्टेन मीनिंग. इफ आई एम नॉट ड्रेस्ड द वे आई एम ड्रेस्ड, इफ आई डोंट ट्विस्ट द वर्ब द वे आई ट्विस्ट द वर्ब, द गर्ल्स आर नॉट गोना लुक एट मी एंड आई लाइक द चीकास. दैट्स व्हाट आई एम ऑल अबाउट. आई एम ऑल अबाउट द गर्ल्स. आई एम द अल्फा. वेयर? इन द क्लासरूम. वहां जाता हूं और मुफ्त की एक अजीब गरीब सी एक्टिंग शुरू करता हूं. दिस इज वॉट माई सेरोटोनर्जिक बिहेवियर रिक्वायर्स मी टू डू. सो हेलेनिक ज्यूज के साथ जो कुछ हुआ, वो हेलेनिक ज्यूज बन गए और जेलेट्स बन गए. हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है. जरा पीछे मुड़ के देखें आगे वाले और आगे वालों को जो नजर आ रहा है, वी आर ऑल हेलेनिक ज्यूज. हमारा सेरोटोनिन रिप्लेस कर दिया कैसे? हैशटैग कूल इंट्रोड्यूस कर दिया उसने. कैसे? नेटफ्लिक्स. अभी भी आपके फास्ट के अंदर भी दो लड़कियां बैठी होती है, बात कर रही होती हैं नेटफ्लिक्स पे. डार्क देखा है? नहीं. पेंडू. डार्क से पेंडू? डार्क से कैसे पेंडू हो गई? मैं डार्क नहीं देखा तो तुम्हें फिजिक्स नहीं समझ आएगी. उसमें टाइम ट्रेवल है. तू शाहरुख खान देखा कर बेटा, वो भी आ गई है नेटफ्लिक्स पे. लुक एट द वे द होल डेल्टा इज बींग क्रिएटेड. Understand how serotonin is making you behave. Chase an alpha, mimic somebody, something actually. Somebody bhi to nahi hai na Netflix. Udhar bhi ek amalgamated system hai. Aur phir Netflix ke piche policy aa gayi ki you have to put certain political exclusion in their inclusions in your system now. Scripts mein dalne se kya hua ki ab ek lesbian ya gay introduce karna must ho gaya har Netflix ke drama mein. You understand me? That's how you play the alpha game. आपको पता है ये लड़कों से मैं जरूरी बात बता रहा हूं. एकेडेमिक रिव्यू है, गूगल कीजिएगा. 30% ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन इन इंग्लिश इंग्लैंड के मेल्स इन टू जेनरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज ऑफ इंग्लैंड. आपने क्या निस्वानी तरीके से बात करनी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ऐसे नहीं बात करते आप. उधर आप जाए आपको पता चले द मैन started becoming less of a man. Aur Pakistan mein bhi chal raha hai. Understand? Because we changed the rules. That's why I'm saying there was a manual. I swear to God, Allah ki kasam, summa Allah ki kasam, Allah ne manual de diya tha, humne padhna nahi tha. Aur wo manual se kya hona tha? Oh bhai, tumhari body chemistry bilkul normal rehni thi, bilkul healthy rehna tha, aur marna bhi, paida bhi khush marna tha, aur paida bhi khush hona tha, zinda bhi khush rehna tha, aur marna bhi khush tha. But nahi sir, we have a certain
सर्टन आइडेंटिटी वी हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज आपने या अल्लाह तूने केमिस्ट्री बनाई थी कि तू मैं सेरोटोनिन के थ्रू मिमिक्री करूंगा अल्फा की, तो अल्फा मेरे टाइम के ऊपर जो भी थे मैंने तो उसकी मिमिक्री करनी है। तब अल्लाह ताला ने आपको बताया कि शुरू से यही कहानी चलती आई है, मुफ्त के दो दो रुपए के नकली खुदा ना बना, तेरा अल्फा एक ही है, तुझे बता देते हैं कैसे अल्फा की मिमिक्री करेगा, हमें ही पता है, मैंने ही बनाया तुझे, तुझे अल्फा दे देता हूं, तुझे समझ आ जाएगी। यू वांट पॉलिटिकल विक्ट्री, ये ले पॉलिटिकल विक्ट्री। दुनिया में किसी लीडर को पॉलिटिकल विक्ट्री उसकी एज में नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। दुनिया में किसी को सोशल विक्ट्री नहीं मिली, नबी अलैहिस्सलाम को मिल गई। इवन प्रॉफिट्स डिडंट गो थ्रू दैट कर्व। हजरत मूसा के भी मरने के बाद यशू बिन नून ने ज्यूज को रिवाइव किया था, हालांकि उस वक्त बाबा ज्यूज अल्लाह ताला को क्वेश्चन करते थे, क्या मूसा तू जा, क्योंकि अल्लाह का जलवा देख, हमने देखा तो पहले भी हम मर गए थे, तू संभाल ले अल्लाह को। ये वो बाबे थे जो कि अपनी स्लेव आइडेंटिटी को अभी तक वॉश अवे नहीं कर सक रहे थे। वो जो मिस्र में स्लेव थे ना, वो अपनी आइडेंटिटी से बाहर नहीं आ सक रहे थे, अभी तक स्लेव मेंटेलिटी में थे। उनकी यूथ ने फिर दुनिया फतह कर ली थी, उनकी यूथ को फिर अलेक्जेंडर ने आके थिएटर इंट्रोड्यूस किया था नेटफ्लिक्स के थ्रू, कि भाई ये बहुत ज्यादा ही रिवाइव कर जाते हैं अपने आप को, पूरी दुनिया को टेक ओवर करने का ठेका लिया इनकी किताब ने। इनकी किताब में गन है, यहूदियों की बात बता रहा हूं, अलेक्जेंडर ने बोला था इनकी किताब में बंदूक है भाई, दे आर गोइंग टू फाइट। इनकी आइडेंटिटी के अंदर पैदा होता है बच्चा तो होस्टर लेके आता है, तो क्या हमारी किताब में गन नहीं है? ऑफ कोर्स हमारी किताब में गन है, कुरान पाक में ज्यादा बारूद है कंपेयर टू द जुडेइक बाइबल, इसीलिए तो पंगा पड़ा हमारे खिलाफ सबको, इसीलिए तो हम जाते हैं और एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं, नहीं नहीं सर आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आपसे तो पूछे नहीं, पीछे देख, पीछे तो कोई भी नहीं सर, आई एम अफ्रेड ऑफ माई ओन गोस्ट, यू नो व्हाट द गोस्ट इज, दैट गोस्ट कि सर आपके जो कूल अल्फाज हैं वो मेरे मेरे मजहब के बारे में भी, मेरी आइडेंटिटी के बारे में इंप्रेशन लेके बैठे हुए हैं, और मैं उसको खुद ही वॉश अवे करने की कोशिश कर रहा हूं। वी कैन इवन ओन अप टू आवर ओन बुक एंड वी कॉल आवरसेल्फ मुस्लिम, सॉरी दैट्स नॉट गोना वर्क, दैट्स नॉट गोना कट इट, आपको डिप्रेशन में डालेगा। हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें, हर ओवरसीज मुसलमान से पूछ लें कि बेसिक मसला क्या है, बेसिक मसला यह कि मैं आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज अ मुस्लिम हियर, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, सिवाय पाकिस्तान के बाकी हर जगह पर इस्लाम का एक प्रूफ देना पड़ेगा। यूरोपियन मुस्लिम गर्ल्स कैरी द हिजाब ऑन देयर फेस एज अ स्टेटमेंट नाउ, द ओनली नॉन हिजाबी मुस्लिम हु डज नॉट लाइक द हिजाब इज द पाकिस्तानी वुमन, बिकॉज एम्फी थिएटर यहां पर ज्यादा, नेटफ्लिक्स यहां पर ज्यादा सेरोटोनर्जिक रिएक्शन दे रहा है, आइडेंटिटी की क्राइसिस आनी आनी थी इधर, वी वर वे अंडर द कर्व, हम हमेशा किसी और को अल्फा बना लेते हैं। सम पीपल आर एक्चुअली डिबेटिंग कि शायद हमारी लोकल जीन में मसला है, वी नेवर क्रिएट आवर ओन अल्फा, वी ऑलवेज फॉलो सम अल्फा, दुनिया की किसी और रेस में ऐसे नहीं होता। बहरहाल दैट्स अ डिबेट ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, द करंट डिबेट इज, सो क्या करूं सर, अब नेटफ्लिक्स आ गया है, डेफिनेशन वहां से ले रहा हूं। हाँ तो नेटफ्लिक्स पे कौन कह रहा है मत जा, और वाली एटलीस्ट वो वाली किताब तो खोल जिसके अंदर तेरी केमिकल रिएक्शन की सेटिस्फैक्शन पड़ी हुई है, दैट इज वेयर यू गोइंग टू फाइंड सस्टेनेंस फॉर योर ओन केमिस्ट्री मैन, यू गोइंग टू फील बेटर एंड मोर एनर्जेटिक, एंड देन द वन क्वेश्चन मैंने कहा था ना इसका आंसर मिल जाएगा, 99 चीजें तो सेल्फ के अंदर से पता चल जाती हैं, वो वन चीज जो पता नहीं चलती कि मैं इसी टाइप पे इसी घर में इसी खानदान में इसी इलाके में पैदा हो गया हूं, कुछ तो काम होगा, अल्लाह के यहां तो तुक्के नहीं है ना, अल्लाह तुक्के पता नहीं रैंडमली है फैजर बंदे भेज रहा नीचे, ये कोई मशीन तो नहीं लगी हुई ऊपर रैंडम थ्रो करो इंसानों को नीचे, कहीं तो ये तो नहीं सोचा हुआ था आपने, यू आर हेयर बाय डिजाइन, किसी भी एक पत्ते को भी अल्लाह ताला बताई जाने आपकी साइकोलॉजी के, कोई पत्ता भी नहीं हिलता मेरे रीजन के बगैर, कोई चीज ना उठाई जाएगी ना डाली जाएगी दुनिया में मेरी जात के बगैर। इसका मतलब है आयशा आप किसी तुक्के पर इधर नहीं आ गई, यू आर हियर ऑन ए पर्पस बाय ए पर्पस फॉर ए पर्पस, अभी केमिस्ट्री के थ्रू पता चल गया कि अच्छा मैं F-16 हूं क्या करूं, आप देखो मैप में क्या है तुम्हारा पर्पस, खुद ही तुम्हारा लैंडस्केप बताएगा तुम्हारा कोई काम था, बगैर किसी साइंस के, मतलब इस वक्त एडवांस साइंस के 50 साल पहले के साइकोलॉजिस्ट बताए कह रहे थे, इफ यू वांट टू नो योर आइडेंटिटी फाइंड आउट द प्रॉब्लम दैट बॉदर्स यू द मोस्ट, यू आर बोर्न टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो मसला ढूंढो जिसको जिसकी वजह से रोज रात को सो नहीं सकते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी है कि तुम उसको सॉल्व करोगे। रिएक्टिव अप्रोच बट ओके इट वर्क्स, इट वर्क्स। अगर किसी को शॉर्टकट बताना हो ना कि सर मैं क्या करूं, जिस चीज की आग लगी हुई है ना कि यार ये तकलीफ मुझसे नहीं बर्दाश्त होती किसी की, वो जाके सॉल्व कर, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, बट दैट्स अ शॉर्टकट, यू नॉट गोना
गेट कन्विंस्ड आउट ऑफ दिस, बिकॉज हर बंदे को दो या तीन चीज़ों के मसले, एक तो एक सर पैसे नहीं बना सक रहा हूँ, ये मसला नहीं है सर, इसकी आग नहीं तुम्हें लगी हुई, एक्चुअली इससे तो दूर भागना चाह रहे हो, समथिंग देयर इज कॉलिंग टू योर सेल्फ इन द सेंस ऑफ एम्पथी एंड द सेंस ऑफ जस्टिस, जिसके ऊपर से तुम ब्राज़ील में भी पैदा हुआ बच्चा, अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा, पाकिस्तान में पैदा हुआ बच्चा, कोई एक खास दो या तीन चीज़ें मशीन में लेके आ रहा हो क्या है कि मेरे अंदर से सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है, सेंस ऑफ जस्टिस अंदर से निकलती है मेरे, कि मैं किसी के ऊपर इसलिए जुर्म नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि अगर कोई मेरे ऊपर करे तो मुझे तकलीफ होगी, इसके लिए मुसलमान होने की जरूरत तो नहीं थी, खाली इंसान होने के लिए पता चल गया, मशीन के अंदर बाय डिजाइन ये चीज आती है। दूसरा दूसरा क्या है, एम्पथी क्या होती है, एम्पथी होती है कि मुझे ये पता चल रहा है कि कौन सा बंदा किस तकलीफ में, बिकॉज आई कैन एक्चुअली हैव दिस सर्टेन रेडार कि अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे पता होगा इसके ऊपर क्या गुजर रही है, हालांकि मैं कभी भी नहीं होता सिचुएशन, बट आई कैन सेंस इट, दैट्स द सेंस ऑफ एम्पथी। सो ये दो चीजें ऐसे इंडिकेटर में थी जिसके ऊपर हर इंसान का प्रॉपर मशीन आपस में अंदर से आवाज लगा रही थी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से लेकर आज तक कोई ऐसा लॉ किसी कम्युनिटी ने नहीं बनाया जो कि मेरी साहिल अदीम की आज 2021 की केमिस्ट्री से मैप ना करता हो कि मैं अभी न्यूजीलैंड चला जाऊं या अफ्रीका चला जाऊं, मैं चिली चला जाऊं या अलास्का चला जाऊं, वहां पर जो लोकल नॉर्म्स होंगे वो मेरी नेचुरल मेक के साथ राइम कर रहे होंगे, कोई मुझे आते ही थप्पड़ नहीं लगा देगा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ठाक, वेलकम टू अलास्का, ये क्या किया आपने, दिस इज आवर नॉर्म, वी वेलकम लाइक दिस, एंड व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन अ जैकेट, बिकॉज इट्स कोल्ड, नो इट्स आवर नॉर्म टू टेक ऑफ द जैकेट, नथिंग इज गोना हैपन लाइक दैट राइट, बिकॉज नेचुरल एम्पथी और नेचुरल सेंस ऑफ जस्टिस हर इंसान खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है बगैर इस्लाम के ही, जिसको अल्लाह ताला ने कहा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर बच्चे को मैं अपनी फितरत पे पैदा करता हूँ, तेरी आइडेंटिटी हमेशा क्लियर होती है, गौर से समझे इस बात को अब, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि पैदा तो इंसान अल्लाह ही की फितरत पे पैदा होता है, एम्पथी और जस्टिस लेके आता है, अब उसको होन करने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, हदीस सुना रहा हूँ कि माँ बाप उसको अब यहूदी बना दें या नसरानी, ये साइकोलॉजी की फ्रेज है, याद रखिएगा, हदीस को बड़ा गौर से समझें, साइकोलॉजी कैसे बता रहे हैं प्रोफेसर सल्लम, वो कह रहे हैं कि 1400 साल पहले के यहूदी कौन थे और 1400 साल पहले के नसरानी कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, आजकल के नहीं, आजकल उल्टा हिसाब है, इन दोनों की बाइबल भी इकट्ठी हुई, दोनों दोस्त भी हैं, नबी सलाम ने कहा कि आप बच्चे को वो फितरा को लेफ्ट ले जाए 100% या राइट ले जाएंगे, उस वक्त यहूदी और नसरानी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, इनका फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट था, अभी भी फलसफा एग्जैक्ट ऑपोजिट ही है, अभी पॉलिटिकल रेन की वजह से इकट्ठे हुए, सो अब या तो एक इस तरफ जाएगा तो दूसरे को काफर कहेगा, इस तरफ जाएगा तो पहले को काफर कहेगा, ये माँ बाप के ऊपर है, आपकी आइडेंटिटी किधर लेके जाता है, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द वीडियोस यू एवर गोना वॉच ऑफ माइन आर गोइंग टू बी डायरेक्टेड टू द मदर, दैट्स व्हाई गर्ल्स आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, स्टेटिस्टिकली आप बताएंगे कि बच्चा दोस्ती है जनती है, स्टेटिस्टिकली इतना ही जरूरी है कि आपकी इस उम्र में आइडेंटिटी क्लियर हो जाए, दिस इज द प्रोडक्ट मैनुअल, इस प्रोडक्ट का मैनुअल बताई जा रहा है बार 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 बताई जा रहा है कि सुन लो ध्यान से, यू आर नेचुरली गोइंग टू हैव सम वॉइसिस, यू आर नेचुरली गोइंग टू बी एबल टू लिसन टू दोज वॉइसिस, किसी PhD करने की जरूरत नहीं है, रेडी वाले को भी आवाजें आ रही हैं, वो भी उन्हीं लॉज के ऊपर बैठा हुआ अपनी अपने आप को बिहेवियर मैट्रिक्स के अंदर प्लेस कर रहा है, आपको भी आ रही है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन वी ट्राई टू प्ले द कूल गेम दैट डज नॉट राइम विद योर नेचुरल केमिस्ट्री, जितने मर्जी स्टिकर लगा दें USS के F-16 के बाद, F-16 does not perform better or worse. It is going to perform the way it's designed to perform. जो उनसे मर्जी एयरलाइन का टिकट लगा दें और स्टिकर लगा दें Boeing 747 के ऊपर, मशीन इज गोइंग टू परफॉर्म द वे द मशीन इज गोइंग टू परफॉर्म, सो इट डजंट मैटर हाउ कूल यू आर, यू आर गोइंग टू एंड अप इन सम हॉस्पिटल रिग्रेटिंग द वेस्ट ऑफ सो मेनी ईयर्स, इतने साल जाया होने के बाद आप अपने बच्चों को सिर्फ रश की निगाह से देख रहे होंगे, मैं अभी गारंटी कर रहा हूं आपको कि काश मुझे तेरे वाला टाइम दोबारा मिल जाए और मैं आपको अपने आप को ओवरहॉल कर सकूं कि इन सब बदबख्तों ने मिल के मुझे किस रेस में डाल दिया था, क्या करता रहा मैं, बड़ा घर भी मुझे नहीं बचा सक रहा, बड़ी गाड़ी भी नहीं, एक्चुअली मुझे एंड में उन्हीं की वजह से अस्पताल आना पड़ा,